सभी आवाम को, सभी महान जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल बिहार विधानसभा में, कल बिहार विधानसभा में सर्वसहमति से एनपीआर और एनआरसी पर जो हम लोगों ने सर्वसहमति से पास किया है प्रस्ताव, ये सरकार को आपके लड़ाई के आगे झुकना पड़ा है, घुटने टेकने पड़े हैं। माताएं बहने जहां देखो, जहां देखो धरना देने का काम किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पे पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चला। हम लोगों के पार्टी ने सबसे पहले जब सीए कानून राज्यसभा में जब उसका बिल पेश किया जा रहा था, तो हमारे पार्टी के सभी एमएलए के साथ हम जो है जेपी गोलंबर बिहार के गांधी मैदान में हम लोगों ने धरना देने का काम किया, बिहार बंद कराया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन दिया सीए कानून के खिलाफ, और इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद से लेकर के कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। और मुझे खुशी है, देखो बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है, हालांकि और भी केरल जैसे राज्य ने इस प्रस्ताव को पास किया है पहले, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जब बीजेपी शासन में है, सरकार में है, फिर भी जो है उनको सर्वसहमति से इस बिल को, प्रस्ताव को पास करना पड़ा। प्रस्ताव में था कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से वो होगा, जो नया एनपीआर है वो लागू नहीं किया जाएगा, और क्या है कि एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं, और एनआरसी का पहला स्टेप ही एनपीआर है। जब एनपीआर ही नहीं होगा तो एनआरसी का कोई मतलब, लेकिन ये लड़ाई हम लोगों ने अभी खत्म नहीं किया है, ये खत्म नहीं किया। ये बीजेपी के लोग अमित शाह कहते थे हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, आज हम सब लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल ने उनको 1000 किलोमीटर पीछे ढकेलने का काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि 11 जनवरी को जो हमारी जो मांग थी, क्या मांग थी कि जातीय जनगणना जो है वो होना चाहिए। आज हम लोगों के संघर्ष का नतीजा, लालू जी ने लड़ाई लड़ी थी जातीय जनगणना को लेकर के, उसको आज बिहार विधानसभा से सर्वसहमति पास करना पड़ा, तो हमारी जीत हुई है।